आप सभी का फैक्ट्स विद भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे डरकर आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करते समय हजार बार सोचेंगे। आपको बता दें कि इंग्लैंड की डेबी मैरिक ने ऑनलाइन गुड़िया ऑर्डर की, लेकिन उसे क्या पता था कि डिलीवरी होगा या होगी, वह उसके जीवन में कभी न थमने वाला भूचाल ला देगा। जुलाई 2017 में इंग्लैंड की डेबी मैरिक ने ईबे पर 3 चीनी गुड़िया ऑर्डर की। टाइम पर ऑर्डर की डिलीवरी हुई। गुड़िया प्रेमी डेबी मैरिक बहुत खुश थे, खासकर दुल्हन की ड्रेस पहने इस गुड़िया को देखकर। सुनहरी और चांदी के मिश्रित लिबास में गुड़िया किसी असली दुल्हन से कम नहीं लग रही थी, लेकिन असलियत डेबी बिल्कुल अनजान थी। दरअसल इस गुड़िया को खरीदने के एक दो दिन के बाद से ही घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा ही होगा। दरवाजे का अपने आप ही खुल जाना, फायर अलार्म का बजने लग जाना, लाइट का अचानक जलने बुझने लगना और ना जाने क्या क्या। डेबी और उसके पति डर की एक अजीब स्थिति में घिर गए। हद तो तब हो गई जब इसके बाद कुछ ही दिनों में डेबी के पति भी हाथों में खरोचों और चोटों के निशान दिखने लगे। पहले तो दोनों को समझ नहीं पाया कि यह सब क्यों हो रहा है। थक हारकर भयभीत डेबी ने इलाके के जाने माने ऊर्जा यांत्रिक तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक ने गहन छानबीन की। छानबीन करने के बाद ओझा ने बताया ये सब जो खूबसूरत चीनी गुड़िया की वजह से हो रहा है। तांत्रिक के कहने पर डरी हुई डेबी ने गुड़िया को घर के तहखाने यानी बेसमेंट में रख दिया और प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। जब डेबी ने कुछ देर बाद नीचे जाके देखा तो गुड़िया ने अपना नेकलेस उतार दिया था जो कि उसके गले में था जब उसे नीचे रखा गया था। इसके बाद डेबी ने उस भूतिया गुड़िया को ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। उन्हें बताया गया कि जिन्होंने उस डॉल की तस्वीरें लेकर ऑनलाइन डालने की कोशिश की थी तब उन्हें बहुत मुश्किल आई, ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद एक पारलौकिक विशेषज्ञ लीज टीर की नज़र उस पोस्ट पर पड़ गई और उसने उसे 70,000 रुपये में ख़रीद लिया। भूतिया गुड़िया को घर लाकर लीज टीर बहुत खुश हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। कुछ समय बाद स्टीव के पिता वो पॉल पर वैसे ही हमले होने लगे जैसे डेबी के पति पर हुआ करते थे। उनके हाथों में कई निशान आ गए। ली स्टीव के घर गुड़िया आने के बाद कई तरह की घटनाएं घटने लग गई, जैसे कि सामानों का हिलना जुलना, चीज़ों का टूटना, लाइट्स का खुद ही जल बुझना, घर में कई तरह की आवाज़ें भी आती थी। इतना होने के बाद ली की माँ ने गुड़िया को फेंकने को कहा, लेकिन ली नहीं माना क्योंकि अभी भी वो उस पर अध्ययन करना चाहते थे। बने रहिए हमारे चैनल फैक्ट्स विद भारत में।